अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एसी और डीसी के कनेक्शन में बताऊंगा और एसी को डीसी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये भी बताऊंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर करना। चलो आज शुरू करते हैं। ये हमने एक पुराना पंखा ले लिया है जिस पे ये डीसी सर्किट और एसी भी लगा हुआ है, और हमको इस पे अगर ना पता चल रहा हो कि ये एसी ये वाली तार है और डीसी ये वाली तार हो तो हमें किस तरह पता चलेगा। इस पे लिखा हुआ है कि ये डीसी लाल और काली और ये एसी नीली और ये कलेजी कलर है। ज़्यादातर तो इस पे ये स्टिकर भी लगे होते हैं, 220 वोल्ट एसी। ये हम इस पे लगा देते हैं और ये 12 वोल्ट डीसी। जो फैन के अंदर से तार आ रही है, तीन तारें हैं लाल काली और नीली, इसको इस सर्किट तक लाने के लिए हमें एक वायर की दरकार होगी। ये तार हमें इधर से इधर तक डाल देनी है और जो कनेक्टर की मदद से हमें ये कनेक्टर हमें इसमें लगा देनी है तार। और इसके नट कस देने हैं। ये हमने कनेक्टर लगा लिया है, जो ऊपर से सर्किट में तार आएगी ये कनेक्टर में लग गई। ये लाल तार हमें इस नीचे वाले तार के साथ लगा देनी है और ये लीली लीली के साथ, ताकि कलर का कम्बिनेशन सही रहे। अच्छी तरह नट को कस देना है। और काली तार यहाँ से इन्होंने नहीं दे रखी, और ये काली तार के साथ पीली तार लगाएंगे। इसके अलावा कोई और भी तार हो सकती है तो वो लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि अच्छी तरह नट कसें ताकि लूजिंग ना हो। अच्छी तरह कस गया और हम इसको इस तरह घुमा के क्लिप में लगा देंगे। अच्छी तरह लगाना है लूजिंग ना हो। इस सर्किट में से इसको क्लिप में लगा देना। लगा देना और ये सेंसर है, ये रिमोट से चलेगा कम या तेज करने के लिए स्पीड। लगा देना है, तार ले लेनी है जो मर्जी हो, मतलब काफ़ी लंबी हो ताकि सोलर प्लेट तक पहुँच सके। हम ये तार इसके साथ लगा देंगे। और अब एसी को हम डीसी पे कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम एसी है तो इसके लिए हमें ये डिवाइस की ज़रूरत होगी, इसके साथ एक रिमोट भी आता है। हो सके तो यहाँ अच्छी तरह टेप भी लगा सकते हैं। और हम इन तारों पे 220 वाली करंट भी लगा सकते हैं, मतलब तार लगा सकते हैं और दोनों को एक साथ चला सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो एक 12 वाट पे चलेगा, अगर लाइट आ जाएगी तो 220 वाट पे चलेगा। अगर हम कप को ऊपर की तरफ लगा देते हैं, टेस्टर की मशीन से वो कस देते हैं, लाइट कस दिया है। अब हम इसकी परे लगाते हैं। इसकी तीन साइड होती हैं, एक ये नहीं, एक ये एक ये। बारी बारी हम इसको खोलेंगे। ये पकड़ लिया तो एक हाथ से।
पहले हमने ये वाशर रख लेनी है, उसके बाद ये सीधी पर रखनी है। तो ये अच्छी तरह नट कस देने हैं, पहले थोड़े हाथ से कसेंगे, फिर ये पेच कसे कस देंगे। ध्यान रखना है परों को सीधा ही लगाना है। दूसरा का भी लगा देना है। अब हम इसको सोलर पे चला के देखते हैं और इसको छत पे लगाते हैं। हम अब इसको चलाने लगे हैं, ये लग गया, बहुत अच्छी तरह फिट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अभी ऐसे ऐसे चला, इसे 5 नंबर पे कर देते हैं, फुल हो जाएगा ये। अभी ये देखो, ये फुल हो गया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त काम हो गया। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, पर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।